चलिए दोस्तों, आज आपको डिटेल में वॉशिंग दिखाता हूँ। वॉशिंग बाय महिंद्रा वर्कशॉप, देखते हैं कैसी वॉशिंग करते हैं अपनी गाड़ी की। दोस्तों आपको भी दिखा देता हूँ मैं, भाई जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वो 3M का जो टावल होता है ना गाड़ी वॉश करने के लिए, 3M का टावल है ना भैया? 3M का ही है। हाँ ठीक है, तो इससे गाड़ी साफ होती है। देखिए ब्लैक गाड़ी पर भी स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि माइक्रोफाइबर से ही साफ करें, सोल मार्क्स नहीं पड़ेंगे। अभी थोड़ा सा बचा है, नंबर आने वाला है अपना, दिखाऊंगा आपको। अपनी गाड़ी का नंबर आ गया है और बड़े स्टाइलिश है, मतलब वॉशिंग का भी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज़ें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। वॉशिंग शुरू हो गई है दोस्तों, और स्टेप बाई स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा मैं। और जैसे मैंने इनसे पूछा था, जो अभी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, जो कपड़ा लगेगा वो 3M का है, माइक्रोफाइबर सॉफ्ट क्लॉथ है बिल्कुल ही। और अभी जो साइड की डस्ट ज़्यादा है वो अभी हटा रहे हैं प्रेशर से, और उसे दिखाता हूँ एक बार। शिमला में काफ़ी गंदी हो गई थी और भाई बिल्कुल अच्छे से वॉश कर रहे हैं। और क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपर्ट रहते हैं तो इनको हर पॉइंट का पता है, गाड़ी में कहाँ पर कितने प्रेशर से पानी मारना है, तो मुझे वो भी एक अपनी जो टेंशन है दूर हो जाती है। उनकी जो प्रेशर वाली गन है ना, वो भी देखिए बड़ी स्टाइलिश ही है, बिल्कुल गन टाइप हाथ में पकड़ लेते हैं और ज़्यादा मतलब इजीली वॉश कर सकते हैं करने वाला, उससे ज़्यादा समस्या होती नहीं है। जो दिखाता हूँ, जैसे अभी अपनी गाड़ी है ना, इसके ऊपर आ जाएगी, ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। ये जो देख रहे हो आप, इसमें बड़े प्रेशर से ना स्प्रे से पानी निकलता है और पूरी अंडर बॉडी अपनी क्लीन कर देता है। तो अभी ये भी जब क्लीन करेगा मैं दिखाऊंगा आपको, और गाड़ी बता दीजिए दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट करके। गाड़ी का दासू लुक आ रहा भाई, दूसरी गाड़ियों के कंपेरिजन में ना अलग ही लगती है गाड़ी खड़ी हुई। आपने देखा भी होगा, अभी इसके सामने 125 खड़ी थी, लेकिन जो स्कॉर्पियो का रोड है वो तो अलग ही है। और भाई अब इसके ऊपर लेके आएंगे, अच्छे से गिल्ली हो गई है और अभी शैम्पू के साथ पास होगी, और अंडर बॉडी में जो मैं बताया था जेट स्प्रे दो है वो चलते रहेंगे। नेट वगैरह निकाल लिए हैं और वैक्यूम के लिए पूछता हूँ मैं, शायद आगे निकल के वैक्यूम होगा। जैसे ये गाड़ियाँ अभी वॉश होके आगे गई हैं, तो आगे वाइप अप भी करते हैं, पूरी गाड़ी को सुखाते भी अच्छे से, कपड़ा मारा जाता है, अंदर पॉलिश की जाती है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। लास्ट तक बने रहें आप, मज़ा आएगा आपको, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि वो स्प्रे मैं बता रहा था आपको, शुरू हो गए हैं वो जेट, और जितना पॉसिबल होगा मैं दिखाऊँगा। अभी आगे आ रहे हैं, अंडर बॉडी को अच्छे साफ करता है, ऐसा नहीं है कि एक ही खाली छोड़ देगा, चारों तरफ पूरा अच्छे से लगता है। ये देखिए आप, तो पता भी लग जाएगा अभी, बिल्कुल अच्छे से है ना पूरा, मतलब दो दो तीन तीन बार घूम जाता है इसमें। और ऐसा नहीं कि एक ही बार घुमाते हैं, ये 5 मिनट तक घूमता रहेगा ऐसे ही। तो देखिए दोस्तों फिर से शुरू हो गया है ये, मतलब दो बार जाएगा और दो बार आएगा, अच्छे से साफ कर देगा अंडर बॉडी। प्रेशर है ना काफ़ी तकड़ा प्रेशर है, पता नहीं आपको कैमरे में आइडिया लग पा रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल यहाँ खड़े होकर देखते हो तो बहुत तकड़ा प्रेशर है। तो दोस्तों अभी मैंने कंफर्म किया है कि इंजन के ऊपर प्रेशराइज पानी तो नहीं मारते एकदम प्रेशर से, तो बताया प्रेशर से नहीं मारते ना, ज़्यादा तेज प्रेशर नहीं मारते सर, जो नॉर्मल फुहारा होता है ना, हाँ वो चीज़ मारते हैं। और जो सेंसर वेंसर है उनको कवर उसको कवर कर देते हैं सर, पॉलिथीन वगैरह से ना। तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, देखो वॉशिंग हो रही है और भाई कर रहे हैं, ठीक है ये देखिए। और जिस टाइम पर इंजन की वॉशिंग होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखो दोस्तों ये फ्यूज बॉक्स है, जो ये अपना उसका बॉक्स लगा हुआ है जो सेंसर, हाँ हाँ ठीक, तो इसका पूरा कवर कर देते हैं, पूरा कवर कर देंगे सर, उसके बाद जहाँ मर्जी पानी मारो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके देखो दोस्तों हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है।
और लो प्रेशर से पानी मारा जाएगा इंजन पर। इंजन पर पानी मारने से पहले ना ये अपनी स्प्रे गन का जो है ना, जिस गन से पानी मार रहे हैं उसका स्प्रिंकल पॉइंट भी चेंज कर देते हैं, जिससे कि पानी एकदम एक ही जगह पे ना लगे, वो फैल के लगे। तो इसलिए इंजन पे कुछ भी ख़तरा नहीं है, ढंग से कर रहे हैं काम। ये देखिए भैया ने शैम्पू भी कोट करना शुरू कर दिया है। और भैया शैम्पू यूज करते हो ना? हाँ जी सर। तो ये भी कंफर्म कर लिया मैंने कि शैम्पू यूज होता है। अलॉय व्हील की और सफाई दिखा देता हूँ आपको कैसे होती है। शिमला की ट्रिप के बाद ना बहुत गंदे हो गए थे, ब्लैक ब्लैक। तो भाई देखो बिल्कुल अंदर तक है ना एकदम प्रॉपर सफाई हो रही है। पहले ऊपर कोट की गई है पूरे शैम्पू की, उसके बाद टायरों पे आया गया है। वही जैसे मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में दिखा दिया था, जो मैंने खुद ने वॉशिंग की थी। तो अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखा है कि अपने ब्लैक स्कॉर्पियो कैसे मेंटेन करें अगर खुद करना है, तो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अभी चलिए मैट्स निकाल लिए हैं, मैट के आपको वॉशिंग दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अपनी गाड़ी अभी जा रही है इंटीरियर साफ होने के लिए। एक्चुअली बड़ा सिस्टमेटिक ढंग है, देखिए वहाँ से गाड़ी आएगी, पहले आपकी गाड़ी पे वैसे नॉर्मली पानी डाला जाएगा जिससे मिट्टी हल्की हो जाए थोड़ी। यहाँ पर प्रॉपर शैम्पू के साथ वाश होगी और फिर यहाँ पर इंटीरियर साफ़ किया जाएगा। ठीक है, वो भाई इंटीरियर साफ़ करेंगे, अभी दिखाता हूँ वो भी मैं आपको। उसके बाद फिर वैक्यूम होगा और पॉलिशिंग होगी। ये है मतलब एक लाइनअप सेटअप है। भाई ने इंटीरियर करना स्टार्ट कर दिया है, पर यानी कि जो धूल मिट्टी लगी रहती है ना वो इस कपड़े से चिपक के उतर जाएगी, ताकि पॉलिशिंग के टाइम पे इंटीरियर गंदा ना हो, इसलिए ये प्रिकॉशंस लिया जाता है। और दिखा दूँ, देखिए जैसे अपने फ्यूज जो हैं ये एम्पलीफायर्स के, इन पर बिल्कुल भी पानी नहीं लगा है। देखिए गंदा भी है, मिट्टी भी लगी हुई है। तो ये अभी कपड़े से मैं बोलूँगा कि भाई को साफ़ कर दें। ठीक है, बाकी सारा अपना इंजन कंपार्टमेंट साफ हो गया है, ये बच गया, चलो प्लस पॉइंट ही है। दोस्तों अपने इंजन का जो है ना इस तरह से जो पानी वाली ड्रॉप करने से कैसे छुपाया जाता है। ये क्या यूज कर रहे हो भैया? ये साथ में पॉलिश है। हाँ, तो इस तरह से पॉलिश को फैला देंगे ना, हल्का पॉलिश। ये पॉलिश यूज कर रहे हैं साथ में इंजन को चमकाने के लिए। जैसे आती है ना मतलब शोरूम से गाड़ी आती है, वैसे ही पॉलिश लग जाती है दोबारा से। अभी दोस्तों वैक्यूम के लिए आगे बढ़ेगी अपनी गाड़ी, स्टेप बाई स्टेप काम हो रहा है। और ये देखिए वैक्यूम की कितनी बड़ी मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है। इतनी सारी गाड़ियाँ करनी पड़ती है तो इतना बड़ा वैक्यूम तो चाहिए। इसके बाद फाइनल टचअप आ जाएगा। वैक्यूम शुरू हो गया दोस्तों, मैं उधर से दिखाता हूँ आपको। और भाई जो पॉलिश लगी थी उसको भी कपड़े से एकदम पूरे इंजन पे बढ़िया से फैल जाएगा। फाइनल होने के बाद दिखाऊंगा इंजन वाला काम, तो पहले उससे पहले वैक्यूम देख लीजिए। तो देखिए बिल्कुल है ना कोने में घुस घुस के उसके कण निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी करने के लिए मैंने बोला नहीं है, ये इनका रूटीन का ही है। अगर किसी की भी गाड़ी आती है तो ऐसा ही काम होता है। दोस्तों भाई बताऊँ, काम एक नंबर का होता है महिंद्रा का। ऐसा आफ्टर मार्केट हो ही नहीं सकता, आप बाहर करवाते हो ना या तो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे उसके लिए। और ऐसा काम मतलब मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ महिंद्रा की तरफ से। यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा लग जाएगा ना, थोड़ा गंदा हो रखा है। हाँ एम्पलीफायर पे देखो जी, आप अगर रिक्वेस्ट करते हो ना किसी चीज़ से मना भी नहीं करते। ये देखते हैं, मैं पर्सनली नोटिस करना चाहता हूँ, इतनी गंदगी अभी दिख रही है ना, साफ होने के बाद कैसी दिखती है। डायरेक्टली दिखाऊंगा आपको, करते हुए नहीं दिखाऊंगा इसको। ये देख लो दोस्तों, वैक्यूम होने के बाद डायरेक्ट अलग सा नज़र आ रहा है ना, एकदम से साफ हो गया। अच्छा काम हो रहा है इसका। दोस्तों मुझे एक चीज़ और बात पता चली अभी, इंटीरियर के लिए ना यहाँ पर अलग अलग कपड़ा यूज होता है। जैसे ये
बेज कलर के लिए अलग से कपड़ा यूज होगा और ब्लैक कलर के लिए अलग से, और जो नीचे वाला पोर्शन रहता है अपना उसके लिए अलग से कपड़ा यूज होगा। एंगल जो देख रहे हो आप सीट के, जैसे ये दूसरे कपड़े से साफ होंगे, ऐसा प्रोसीजर है कुछ। अच्छा है क्योंकि बेज कलर खराब हो सकता है। ये मैट आ गए अपने, मैट लगा रहे हैं भाई, पूरे संतुष्टि करा जाएगी दोस्तों। जैसे आपने पीछे सामान ज़्यादा रखा था ना, तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक से स्पॉट रह गए हैं, देखो ये भी साफ कर रहे हैं, तो ये भी शैम्पू से साफ हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर है ना हर एक पोर्शन के अलग अलग बंदे बांट रखे हैं, एक बंदा इंटीरियर करेगा, एक एक्सटीरियर करेगा, तो बड़े अच्छे से काम हो रहा है। देखो दोस्तों ये वाली पॉलिश है देसी लुक का, यहाँ पर लग रही है, और इंजन भी बता रहे भाई यही लगी थी, बिल्कुल चमक जाएगी गाड़ी। अभी बाहर कपड़ा लगना बाकी है, एक वैसे लुक देख लीजिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्कर्स पे ही छोड़ दिया जाता सारा काम, जो अपने सुपरवाइज़र होते हैं वो भी हर एक चीज़ चेक करते हैं भैया प्रॉपर, सात सुपरवाइज़र हैं यहाँ पर, और एक ही चीज़ प्रॉपर है ना चेक करवा रहे हैं, यहीं पर कुछ छूटा तो नहीं है, इवन क्लीनिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स भी। ये महिंद्रा की मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, और ये अपने वाली का नंबर आने वाला है वाई बप के लिए। अब दोस्तों आपको ऑडियो क्वालिटी सही से सुनाई दे रही होगी, एक्चुअली माइक है ना बैटरी डाउन हो गई थी इसकी, तो मैंने चार्जिंग लगा ली थोड़ी देर के लिए और विदाउट माइक शूट किया था। दोस्तों मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, वीडियो शेयर होता है, लाइक होता है, तो फिर और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ये रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक ज़रूर देखा करो वीडियो। अभी फाइनल टचअप दिखाता हूँ बाकी है, तो अंदर का पोर्शन भी है ना एक एक, वो भी भैया बड़े ध्यान से कर रहे हैं, देख सकते हो आप कहीं भी मिट्टी नज़र नहीं आ रही अंदर की तरफ, एकदम साफ कर दिए, और थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं ताकि बॉडी पे एकदम कपड़ा लग सके और शाइनिंग पूरी बन जाए। फाइनल कपड़ा लगना हो गया स्टार्ट दोस्तों, और अगर कुछ और भी पॉलिश वॉलिश लगाएंगे तो वो भी दिखा दूंगा। देखिए एक साइड से इधर से लगे हुए हैं और एक इस साइड से लगे हुए हैं, देख सकते हो भाई लगा रहे हैं टायर पॉलिश। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, टायर अगर चमक रहे हैं तो पूरी गाड़ी चमकती नज़र आएगी आपको, इसी तरह इस टायर पे भी लगा देंगे। अब एक भी जगह कमी नहीं छोड़ी गई है, गाड़ी प्रॉपर हर एक पॉइंट को साफ किया गया है, एकदम मज़े से अच्छी चमकने लगी है गाड़ी। जब तक गाड़ी को सुखा रहे हैं तब तक मैं इंजन और दिखा देता हूँ, इंजन का हो गया फाइनल, अब देख लीजिए कैसा साफ हुआ है। दोस्तों आज का काम देख के ना दिल खुश हो गया एकदम से, ये देखिए, और आप लोग भी बताइए, आप लोगों ने अभी तो देखा ही है काम कैसा होता है महिंद्रा पे, मज़ा आ गया जी आज। एसी वेंट्स भी साफ कर रहे हैं देखो, बस के साथ प्रॉपर जैसे दिखाता हूँ आपको, देखिए एसी वेंट्स भी अच्छे से साफ किया, बहुत बढ़िया। देखिए दादा ना पर्स से लगा रहे पॉलिश, और बस ये फाइनल है, इसके बाद मैं एक ओवरऑल लुक भी देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों गाड़ी वैसे मैंने ओवरऑल पहले से चेक तो कर ही रहा हूँ मैं साथ ही साथ, और एक नंबर की साफ हो गई है, और यहाँ फीडबैक देना है सर, ये फीडबैक वॉशिंग सीट आई है, ओके साइन करके 10 नंबर दीजिए हमें, 10 के 10 सर पक्का, मैं तो खुश हूँ, कागज साइन कर दूँ। हाँ लो जी, आज कितनी तारीख हो गई है, आज 21 तारीख को वॉश हो गई है जी गाड़ी, और नंबर कहाँ देना है, यहीं दे दीजिए 10 में से 10 10 स्टार सर, ठीक है, थैंक यू सर। आपका भी थैंक यू सर, आपने इतने मेहनत से काम किया। चलिए एक ओवरऑल लुक दिखाता हूँ, ये देखिए जी शाइनिंग लग गई है करने गाड़ी, कोई सोल मार्क्स नहीं, प्रॉपर ध्यान रखते हुए छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे ये है यहाँ भी पॉलिश मारी गई है, और ये देखिए ओवरऑल लुक। उम्मीद करूँगा दोस्तों महिंद्रा की वॉशिंग पसंद आई होगी आपको, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने, बहुत सारी वीडियो आएंगी। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।